पिपराइच पुलिस ने सरकारी अंग्रेजी मदरसे की दुकान पर नकली शराब बेचने के आरोप में दुकान के मुनीब राजेश पुत्र रामप्रीत निवासी मडडीहा थाना अहरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त के दुकान से पुलिस ने 299 नकली ढक्कन, 184 अवैध QR कोड, एक चाकू, एक सूजा तथा 20 लीटर खाली गैलन, 5-5 लीटर की दो खाली प्लास्टिक की पीपिया, एक सैमसंग मोबाइल, 7190 रुपये, जल अपमिश्रित विदेशी शराब के 24 बोतल अद्धा व 52 पौवा अंग्रेजी शराब के अलग अलग ब्रांड एवं धारिता के 130 पेटी शराब बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पिपराइच में सरकारी अंग्रेजी दुकान पर असली शराब की बोतलों में से शराब निकालकर दूसरी बोतलों में भरकर बेचा जाता था। दुकान का लाइसेंस सत्यवती देवी के नाम से था। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। थोड़ा सामने साहब, इनका ठेका जब मिला तभी से कर रहे हैं। इसके बारे में 10 तारीख से इसी दस से बनाना शुरू किए थे। कैसे बनाते थे इसको? सामने से साहब थोड़ा थोड़ा निकाल करके पानी डाल के पैक कर देते थे, और उसके बाद जब ज़्यादा टूट जाता था हमारे जिस किसी डाल के उसको मतलब से ढक्कन लगा दिया। ढक्कन तो सील जाता था, निकालते कैसे? निकल जाता था ना, पकड़ के खींचने पर पौधा ढक्कन निकल जाता। उसी में निकाल के दूसरा बोतल बनाते थे। अच्छा, काम वही करते थे, बेचते तुम थे? सब थे, बेचते का है तो सब एक ही में, हम 3-4 लोग दुकान पे हैं तो सब है। एक दिन में साहब जैसे 30 ठो पौवा बनता था, 15 ठो बनता था। अच्छा, 30 पौवा मतलब किलो ब्रांड में डबल आज रॉयल स्पेक्ट में। अच्छा, और उसमें डबल रॉयल स्पेक्ट आज का अच्छा तो पहले ग्राहक आते थे, पहले ये वाला बोतल लेते थे कि वो वाला जो बनाते थे साहब, जो पहले जैसे निकाल निकाल के जो अलग से तैयार करते थे उसको पहले हटाते थे, उसके बाद में जो कटिंग वाला बस्ता था उसके बाद जब वो मिल जाता था तब मुझे इसका अलग से पैसा मिलता था। तुमको इसका अलग से कुछ पैसा मिलता था? जैसे 6,000 रुपया मिलता था तो उसकी 3,000 मालिक लेते थे, ले लेते थे। उसके बाद से जो लड़के आते थे 5-5 लेते थे। उसके बाद जो बस्ता था 600-700 जो भी बस्ता था 800 पर डे, इसको मतलब मानी चाहिए 800 रुपये पर डे अगर ये हो रहा 25-26 तो अकेला ही है। 500 जानते थे पूरी बात को। कल थाना पिपराइच में इंस्पेक्टर पिपराइच और कुछ एक्साइज की जो एक्साइज विभाग की टीम थी, इन्होंने एक बरामदगी की है। इनको एक सूचना मिली थी, उस पर यह वहाँ के विदेशी मदिरा की दुकान है वहाँ छापा मारा, तो छापे हुए वहाँ इनको सब बहुत कुछ नकली सब बरामद हुआ है, जिसमें कई पेटी करीब इनको 130 पेटी अवैध माल जो विभिन्न उनके मार्का के थे जो अवैध थे, और इसके अलावा 299 नकली ढक्कन, उसके कुछ जो QR कोड्स वगैरह होते हैं, चाकू इत्यादि सब मिले हैं, जिससे ये अवैध शराब वहाँ पे बैठ के उसी शॉप में ही बनाते थे। ये शॉप सत्यवती का था, उस पर इन्होंने कार्रवाई की है। एक मुलजिम पकड़ा गया है जो कि वहाँ का सेल्समैन है, इसका नाम राजेश है, ये कुशीनगर का रहने वाला है और ये सरकारी दुकान है, ठेका हमेशा चलता है। अब इनसे पूछताछ और होगी, इनके मालिक से पूछताछ होगी कि ऐसा, क्योंकि ये विदेशी मदरसे की दुकान अगर है तो उन्हें निश्चित रूप से सरकारी चीज़ बेचना चाहिए, और वो ये उसी की आड़ में सब अवैध रूप से इसकी
कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो इस जानकारी और नहीं हुई है, ये वहीं से अपने दुकान से ही करते थे, ये बहुत बड़ी बात है। इनके रैपर ढक्कन खास लाते थे और किस तरह लगाते थे उसे? रैपर ढक्कन ये विवेचना का बात है, अभी ज़्यादा इनसे पूछताछ नहीं हो पाई, क्योंकि इनके जब मालिक पकड़े जाएंगे तो और भी बताएंगे, क्योंकि केवल इसका सेल्समैन का ही बहुत रोल नहीं है, उसका भी रोल बहुत है।